विश्वविद्यालय को मिले नैक की 8++ रैंक। सीएम योगी ने दी बधाई। गोरखपुर विश्वविद्यालय को 8++ ग्रेड मिलने पर गोरखपुर विश्वविद्यालय गेट पर अध्यापकों व छात्रों द्वारा कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह का माल्यार्पण कर किया गया भव्य स्वागत। कहा, गोरखपुर विश्वविद्यालय को 8++ ग्रेड मिलने से मिलेगी तमाम तरह की सुविधाएं। शातिर अपराधी भोला यादव उर्फ अखिलेश यादव की 50 लाख रुपए की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत पीपीगंज थाने की पुलिस ने कुर्क कर किया गिरफ्तार। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। मजदूर व सब्जी विक्रेता बनकर क्षेत्र में चोरी करने वाले दो शातिर चोरों को बड़हलगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की 26 मोबाइल फोन, 1 सोने की अंगूठी, 4,750 रुपए नकद किया बरामद। एसपी साउथ ने किया खुलासा। विद्यालयों के सफल संचालन हेतु मंडल स्तर पर गठित मंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में साकुशल हुआ संपन्न। ने कहा, सहजनवा ब्लॉक में नवोदय की तर्ज पर सीबीएसई पैटर्न पर अटल आवासीय विद्यालय का हो रहा है निर्माण। कोरोना काल में मृत श्रमिकों के अनाथ बच्चों को दिया जाएगा दाखिला, मिलेगी अच्छी शिक्षा। के आरोप में वांछित अभियुक्त अर्जुन निषाद को बेलीपार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने किया खुलासा। गोरखपुर महोत्सव में चल रहे 7 दिवसीय शिल्प मेले का मंगलवार को हुआ समापन। दुकानदारों ने बताया, हर साल की तरह इस बार बिक्री में मिला अच्छा रिस्पांस। डीडीए वीसी महेंद्र सिंह तंवर ने सभी गोरखपुर वासियों को व्यक्त किया धन्यवाद। कहा, गोरखपुर महोत्सव 2023 हुआ है सबसे बढ़िया। मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने की लंबी लगी रही लाइन। श्रद्धालुओं ने लाइन में लगकर आगे बढ़ते हुए गोरखनाथ मंदिर में पहुंचकर गुरु गोरखनाथ को चढ़ाया खिचड़ी। कहा, खिचड़ी चढ़ाने से गुरु गोरखनाथ पूरी करते हैं मनोकामना। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर 15 दिवसीय मंडल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में मंगलवार तक 62 लाख की हो चुकी है बिक्री। खादी कपड़ों की हो रही है बिक्री, मिल रहा है खादी को बढ़ावा। गोरखपुर महोत्सव में चल रहे पुस्तक मेला में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए व्यापारियों को ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। कहा, पूरे गोरखपुर वासियों ने अपने परिवार के साथ महोत्सव का लिया आनंद। मंगलवार को मकर संक्रांति के अवसर पर चल रहे खिचड़ी मेले में श्रद्धालुओं की मेला घूमने की लगी रही भीड़। मेले में लगे विभिन्न तरह के झूलों, जरूरत के सामान, खाने के सामान की खरीदारी करते नजर आए श्रद्धालु। और लगातार शीतलहर और कोहरे के बाद मंगलवार को निकली कड़ाके की धूप से आम जनमानस को मिली राहत। एडीएम फाइनेंस एवं जिला आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, अभी भी ठंड का टेम्परेचर है डाउन, जिससे तबीयत खराब होने की बनी रहती है संभावना। ऊनी कपड़ा पहनकर ही निकले बाहर और रखे अपनी सेहत का ध्यान।